हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल अगेन टू माय चैनल माइसेल्फ जीएस नरुका। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक मंथ की स्ट्रेटजी कि एक महीने में आप कैसे वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जो एग्जाम आने वाले हैं उसका कोर्स कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो अपनी प्रिपरेशन कैसे जारी रखेंगे और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों को यकीन नहीं होगा, वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को यकीन नहीं होगा कि एक महीने में अभी कंप्लीट हो सकता है जितना ये सिलेबस है। तो माय डियर फ्रेंड्स एक बार आप ये वीडियो देख लो, ठीक है, उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। और आपको लग रहा है पॉसिबल नहीं है तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा या कमेंट में अपना जो भी ओपिनियन है वो आप बता दीजिएगा, तो उससे और बच्चों को भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बट एज पर मी ये पॉसिबल है जिस तरह से मैं बताऊंगा। तो पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, ओके। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके और जरूर जाइएगा, चाहे अभी कर लीजिए, ओके, बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने आ रहा हूँ एक मंथ की स्ट्रेटजी, क्योंकि हमारा जो एग्जाम स्टार्ट होंगे वो 22 मई से स्टार्ट होंगे, तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए मेनली फोकस कर रहा हूँ जिसका मान लो कि पेपर 22 मई को ही है, वो क्या करेंगे। तो लगभग हमारे पास 29 दिन के आसपास अभी से बचे हुए हैं, ठीक है, 28-29 दिन। अब बात करते हैं आगे की, तो हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कौन से हमारे पास सब्जेक्ट हैं। मैं सभी सब्जेक्ट की सेपरेट स्ट्रेटजी बताऊंगा और जिनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उनके लिए भी पूरा बताऊंगा। तो हमारे कौन से सब्जेक्ट है, हमारा एक हो गया मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। सेकंड हो गया हमारा साइंस, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा इंग्लिश एंड फोर्थ वन हो गया हमारा हिंदी एंड लास्ट हो गया जीके, जिसमें एमपी जीके भी है और जो ओवरऑल है वो जीके भी है, ठीक है। तो यहां पे मैं सिर्फ जीके लिख देता हूं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की, और मैं यहाँ पे ये भी बताने जा रहा हूँ कि डेली हमें कितने घंटे पढ़ना है, टोटल ओवरऑल कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि नहीं 2-4 घंटे में पढ़ के कर लूंगा, तो भैया आप अभी इस वीडियो को बंद करके आप चले जाइए, आप सोइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है, नहीं निकालना है, अच्छी बात है। अब हमें यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी मेरी है वो है सेलेक्टिव स्ट्रेटेजी। क्या सेलेक्टिव स्टडी, हमें उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। वैसे तो व्यापम है, आपको भी पता है व्यापम कहीं से भी दे देता है, बट एक बात याद रखिए यार, कहीं से भी क्या दे देता है। आपने पटवारी का एग्जाम देखा, आपने आवाकारी का एग्जाम देखा, एक तो पैटर्न थोड़ा सा ऊपर हो गया है, दूसरा उसमें जो टॉपिक्स थे जैसे जीके वगैरह हो, जीके वगैरह वो कहीं से भी दे सकता है, लेकिन मैथ्स में तो यार किसी ना किसी चैप्टर से ही देगा, कहां से लाएगा अलग से, ठीक है। इंग्लिश में भी आपने देखा बहुत कहीं अलग से उठा के नहीं ला रहा, हाँ थोड़े हाई लेवल कर दिए लेकिन अलग से उठा के नहीं लाया, ठीक है। सेम है हिंदी तो वैसे भी पटवारी में थोड़ा सा ओवरऑल मतलब इजी आया था, और सब्जेक्ट की अपेक्षा हम बात करें, ठीक है, तो बचा क्या साइंस में वो थोड़ा सा हाई लेवल लो लेवल कर सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर भी हमें अपनी प्रिपरेशन जो बेसिक पॉइंट है उनको नहीं भूलना है, क्योंकि हाई लेवल जो क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 5 क्वेश्चन हाई लेवल आएंगे, 15 क्वेश्चन आप एवल रहेंगे करने के लिए, ठीक है, एवल मतलब सक्षम रहेंगे, ठीक है। तो अब बात करें सबसे पहले मैथ की, मैथ्स आपको कैसे करना है, तो मैथ्स मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आदित्य रंजन सर को, क्या आदित्य, क्योंकि बहुत बेसिक से उन्होंने पढ़ाया है और अच्छा लेवल पढ़ाया है, और वो भी सिर्फ 2-2 घंटे के अंदर उन्होंने टॉपिक को खत्म किया है। और यहां पर भी आप पूरी तरह से टॉपिक वाइज जाइएगा, जो आपको लगता है कि टॉपिक आपके अच्छे हैं, ठीक ठाक आपके पढ़े हुए हैं, क्योंकि पटवारी के एग्जाम के लिए बहुतों ने तैयारी कर चुके थे तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो आगे रिविजन करेंगे, ओके। और यहां पर जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता उनके लिए है आदित्य रंजन सर, क्या आदित्य एसएससी लेवल तक का पढ़ाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं आदित्य रंजन। इनकी एक मैराथन में बता देता हूं, 60 डेज मैराथन इनकी डली है मैथमेटिक्स के ऊपर, इसमें ऑलमोस्ट इन्होंने जितने भी टॉपिक है वो सब कंप्लीट किए हैं। और मैथ्स का मैं कंप्लीट वीडियो बता चुका हूँ कैसे कैसे आपको मैथ पढ़ना है, लास्ट वीडियो में कंप्लीट मैथ्स के ऊपर बना चुका हूं, आप वो भी जाके एक बार देख लीजिएगा मैथ्स की स्ट्रेटजी, उसमें कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो 60 डेज आप मैराथन पूरी कर लीजिएगा, और इसमें अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो 60 डेज में तो वो आप 30 डेज में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 30 डेज इनकी एक और मैराथन है, 30 डेज मैराथन। अभी आजकल एक महाभारत बैच चल रहा है, कौन सा, महाभारत, ठीक है। तो आपको जो टॉपिक लग रहा है 60 डेज में छूट रहा है वो 30 डेज में कर लीजिएगा। इसमें दोनों में अंतर क्या है, 60 डेज मैराथन में उन्होंने एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 2 से 3 क्लास ली है, ठीक है, और 30 डेज मैराथन में उन्होंने सिर्फ 1 क्लास ली है। तो आप ये 60 डेज मैराथन को देखेंगे तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, याद रखिए। अब बात करें इसके बाद साइंस की, मैथ्स हो गया, समझ में आया आपको। डेली यहां पे मैं बता देता हूं, डेली 2 आवर्स मैथ्स को देने ही देने, कितना डेली
टू आवर्स मैथ को देने हैं और टोटल आपको 60 आवर्स देने हैं। कितना? 60 आवर्स। आपके पास 30 डेज है, आप 60 आवर्स दे सकते हैं। और उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन नहीं दिया है। आप अगर 2x की स्पीड से या 1.5x की स्पीड से वो वीडियोस देखते हैं तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा यार, ठीक है, ताकि आपके पास रिवीजन का भी टाइम बचे। अभी मैंने सिर्फ आपके 2 घंटे कंज्यूम किए हैं पूरे दिन में, ठीक है। और इसके एक और फायदा है, इनका एक टेलीग्राम चैनल है आदित्य रंजन सर का, जो आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। वहां पर जो भी आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ओके, उसकी पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको डायरेक्टली, जिसे आप मोबाइल में या लैपटॉप में डालिएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। दैट्स द बेनिफिट फॉर दिस। समझ में आया आपको? नेक्स्ट साइंस की बात करेंगे हम। किसकी? साइंस की। अब साइंस में देखो, इसमें तीन चीजें हैं। पहला क्या है? बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। सेकंड है केमिस्ट्री, ओके। थर्ड वन है आपका फिजिक्स। तो यार बहुत वास्ट सिलेबस है अगर हम सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो। बट इसका भी बहुत प्यारी स्ट्रेटजी आपको बता देता हूं। देखो, एक तो बायोलॉजी, पहले अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, 2x की स्पीड से आप पढ़ सकते हैं इजीली, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आप पढ़िए इन सभी को नीरज जांगिड़ सर से। किससे? नीरज, नीरज जांगिड़ सर से। अब मैंने इनका ही नाम क्यों लिया? इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, खुशबू मैम है या फिर अभिनय मैथ्स की भी एक बहुत अच्छी मैम है, जिनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, जो अभिनय मैथ्स पढ़ाती है ना, आप उनकी सुनोगे ना, आवाज बहुत प्यारी है। उन्होंने बायोलॉजी कंप्लीट करा दिया है, केमिस्ट्री उनका चल रहा है, फिजिक्स उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ओके। और थोड़ा ठीक ठाक लेवल का आपको सभी पर मिलेगा। और ये जो नीरज जांगिड़ सर है, इनकी ऑलरेडी जो वाईफाई स्टडी के चैनल पे इनके वीडियो चले हैं। कौन सा? वाईफाई स्टडी। आपने नाम अच्छे से सुना होगा, वाईफाई स्टडी। कंप्लीट आपको इनको बायोलॉजी के लेक्चर मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के लेक्चर मिल जाएंगे, फिजिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। और इसके अलग मैं थोड़ी सी इसमें और भी स्टडीज को आपको बढ़ा देता हूं कि बायोलॉजी का एक मैराथन डली हुई है डॉक्टर विपिन गोयल, ठीक है, सब कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के लिए याद रखें। डॉक्टर विपिन गोयल की एक बहुत प्यारी मैराथन डली हुई है बायोलॉजी की कंप्लीट, जिसे आप पढ़ोगे मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। एक बायोलॉजी एक सिटिंग में आप कंप्लीट कर सकते हो एक दिन के अंदर अंदर। सेकंड केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब इन दोनों में बता दूं, फिजिक्स का काफी ज्यादा सिलेबस है, उसको आपको क्या करना है, उसमें आपको लेना है ये वो लीजेंड, ठीक है। अगर आप हर टॉपिक का लेक्चर वीडियो लेक्चर देखने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आप कुछ टॉपिक बुक से पढ़ोगे, टॉपिक वाइज पढ़ोगे कि भैया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे एसिड बेस और सॉल्ट ज्यादातर क्वेश्चन फंस जाते हैं उससे, ठीक है, केमिस्ट्री में, या पीरियडिक टेबल के कुछ क्वेश्चन वो फंस जाते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ, तो ये 2-3 ऐसे टॉपिक हैं, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो फंसते हैं, तो इनको आप कहीं ना कहीं इस बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बुक में आप पढ़ोगे ना सिर्फ आपका आधे घंटे के अंदर एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। सीरियसली फ्रेंड्स, इसमें आप जब टॉपिक वाइज खोलोगे तो आधे घंटे के अंदर आपका खत्म हो जाएगा टॉपिक। अगर आप वीडियो देखने जाओगे तो वही 3-4 घंटे का। जैसे मैं आपको बता दूं, लाइट, लाइट आप कहीं से ही पढ़ोगे, नीरज जांगिड़ सर से ही पढ़ोगे तो कम से कम उनके 3-4 घंटे के वीडियो है, 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। इससे पढ़ोगे ना वही सारी चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज आती है, आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सिलेक्टिव अप्रोच है। इसी तरह से आप कंप्लीट कर पाओगे अपना सिलेबस। अगर इस तरह से नहीं चलोगे तो आपका सिलेबस आई डोंट थिंक सो कभी भी कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको चाहिए आराम से 6 महीने 1 साल अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो आप इस किताब को पकड़िए, ओके। इसमें कुछ टॉपिक्स आप जैसे बायोलॉजी या बायोलॉजी या वीडियो से समझिएगा, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक आते हैं जो आप इसी बुक से पढ़िएगा, 15 से 20 मिनट और आधे घंटे के अंदर आप पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे। आप 2 बार रिवाइज कर लोगे यार 1 घंटे में, इसीलिए मैं इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ। कौन सा? लीसेंट की जनरल नॉलेज। आप इसको परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। देखता हूं, अगर हो सके तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे। ये हो गया आपका सेकंड। और इसमें आपको कितना देना है? इसमें भी आपको 2 आवर्स देना है, क्योंकि 3 है। कितने? 3 है, इसमें 3 सब्जेक्ट है, तो इसको भी कितना देना है? 2 आवर। मैं लास्ट काउंटिंग कराऊंगा, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें इंग्लिश। किसकी बात करेंगे? साइंस के बाद इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही टीचर रिकमेंड करूंगा, वो है तरुण ग्रोवर। कौन है? तरुण ग्रोवर। जबरदस्त इन्होंने इंग्लिश पढ़ाई है, कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई है इनकी। जो अब 45 आवर्स का फाउंडेशन बैच है इनका इंग्लिश का, ओके। लो लेवल से हाई लेवल इन्होंने पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। इंग्लिश के लिए ये आप तरुण ग्रोवर सर की एक प्लेलिस्ट है, फाउंडेशन फॉर कंप्लीट इंग्लिश, ऐसा कुछ नाम से है, ओके। आप इसको देखिए, तरुण इंग्लिश वाइज तरुण ग्रोवर डालेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फाउंडेशन बैच की इनकी। 45 आवर्स का है, डेली आप इसमें 1.5 घंटे दीजिएगा, कितना? 1.5 आवर, ठीक है, मजा आ जाएगा। और इसमें आपको मैं एक और बताऊं, जब मैंने इनसे पढ़ा था बहुत पहले,
तो उसमें मैंने क्या किया था कि इनको 2x स्पीड से पढ़ता था मैं। 2x स्पीड के साथ मैं 1.5 घंटे के अंदर पूरा मेरा लेक्चर भी खत्म हो जाता था और मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो जाते थे। लेक्चर और नोट्स दोनों 1.5 घंटे में, तो आप पूरा 45 घंटे पढ़ोगे तो आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएंगे। इनकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, याद रखिएगा, इनकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। और इनके कुछ जैसे इन्होंने नाउन पढ़ा दिया, तो नाउन के बाद 1 घंटे का इनका प्रैक्टिस सेशन है। 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने कम से कम 100 क्वेश्चन कराए हैं। भैया बाहर जाएगा कहां से आप, ठीक है। और इसमें भी आप सिलेक्टिव पढ़िए, नाउन जैसे आपको सिंपल लगता है, आर्टिकल्स आपको सिंपल लगते हैं, ए अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं तो आप वो मत पढ़िएगा भैया, उनके भी 2-2 घंटे आप क्यों वेस्ट कर रहे हो। उससे ज्यादा आप एक्टिव पैसिव, जो कि आपको पटवारियों बहुत पूछे गए थे, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन पे फोकस कीजिएगा। आप वोकैबुलरी पे जा रहे हो तो वोकैबुलरी देखो, 1 महीने आप हर दिन 5-5, 10-10 शब्द पढ़ सकते हो, लेकिन आप एक कोई भी एक वीडियो ले लीजिए, जैसे न्यून क्लासेस के वीडियो चले हैं वोकैबुलरी के, वो आप सिर्फ 10-15 मिनट आप देखिए डेली का, उससे ज्यादा मत देखिए, उसमें ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, नहीं तो आप जो है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है, समझ गए। इंग्लिश के बाद बात करें हिंदी, हिंदी अच्छी होती है काफी लोगों की, ओके, पटवारी के लिए भी काफी लोग तैयारी कर चुके हैं, लेकिन हिंदी में आपको अप्रोच बताऊं, आपको डेली सिर्फ 1 आवर देना है, तो टोटल आपके कितने 30 आवर मंथ के हो जाएंगे, टोटल मंथ के 30 आवर। और हाँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश में बता चुका हूँ कि हाँ 1.5 आवर साइंस, 2 आवर, ठीक है, हिंदी यहाँ पे 30 आवर डेली, 1 आवर आपको देना है। अब इसको पढ़ना है सिलेक्टिव टॉपिक बेस, रीजन बताता हूँ आपको मैं। इसके लिए आपको एक बुक भी प्रेफर करनी पड़ेगी, वो है ये लीसेट की सामान्य हिंदी, या कोई भी आप हिंदी की बुक ले लीजिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं रीजन बताता हूँ टॉपिक वाइज की बात क्यों कर रहा हूँ। जैसे रस छंद अलंकार आप बात करें, तो रस छंद अलंकार के आप सेपरेट वीडियो देखिएगा, किसी भी टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आएगा आपको, ओके। एक न्यू अतुल्य अकाडमी है, न्यू अतुल्य अकाडमी, उनका रस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, एक मैम पढ़ाती है वहां पर, ठीक है, न्यू अतुल्य अकेडमी, इनका अभी रिसेंट के पटवारी का एक वीडियो डाला हुआ है, जिसमें इन्होंने इनसे वर्डमाला पढ़ लीजिएगा, संधि इन्होंने पूरा पढ़ाया, समास पूरा पढ़ाया उस वाले प्लेलिस्ट में, और संधि हो गया, समास हो गया, रस छंद का मुझे याद नहीं है, अब देख लीजिएगा, ठीक है, अलंकार, इनसे आप ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। अब बाकी बचे आपके जैसे वाक्य शब्द, इनको आप किसी भी टीचर से मत पढ़िएगा, रीजन बताता हूँ। जैसे आप लूसेंट पढ़ोगे, इसमें 2-3 पेज के अंदर पूरा कंप्लीट है, बहुत ही बेसिक आपको समझ में आ जाएगा एक बार में, आपको उसके लिए इतने घंटे आपको देने की जरूरत नहीं है जितना आप देना बनता है, ओके, सॉरी नहीं बनता है जितना, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें जल्दी सिलेबस खत्म करना है, हमें हर चीज बहुत डिटेल में नहीं समझनी है, वो बहुत कुछ पढ़ाते हैं सिलेबस में और जो एग्जाम में बहुत कम आता है। आप अगर शब्द एक बार पढ़ लोगे और कुछ क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इस बात को मान लो। टॉपिक वाइज हिंदी पढ़ो, टॉपिक वाइज, ठीक है, जैसे शब्द हो गया, वाक्य हो गया, वो आप मैं इसमें बता देता हूँ आपको, वो आप इससे पढ़िएगा, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, थोड़े बहुत इससे देख लीजिएगा, ठीक है, तत्सम तद्भव की आप ट्रिक देखिएगा, तत्सम तद्भव की ट्रिक देखिएगा, आप कहीं से भी उसका प्रॉपर कंप्लीट वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा, सिर्फ उसकी ट्रिक पर काम कीजिएगा, तत्सम तद्भव जो होते हैं, ठीक है, पर्यायवाची वगैरह के थोड़े बहुत आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसे फंसते हैं कि कभी कभी नहीं आते हैं, और आते हैं तो सबको आते हैं, ओके, हिंदी हो गया आपको। अब जीके की स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें तो यार टॉपिक तो बहुत सारे हैं, क्या है, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके टॉपिक में बता दूं, पॉलिटी हो गया, ठीक है, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, ठीक है, इसमें आपका एमपीजी की हो गया, जो कि सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस हैं, लेकिन प्रीवियस हम जो पिछले कुछ महीनों से पैटर्न देख रहे हैं, आवाकारी में, आवाकारी में एक क्वेश्चन आपका एमपीजी के नहीं मिला, पटवारी में स्टार्टिंग में एमपीजी के मिले, बाद में जाके एमपीजी की बिल्कुल बंद हो गई, तो एमपीजी के, ठीक है, और आपके इकोनॉमी वगैरह उसमें एक एक दो दो क्वेश्चन फंस जाते हैं इस ठीक है, इस सब्जेक्ट पे आपको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सागर है भैया, 1 महीने में खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी मैं कुछ तरीके आपको बता देता हूँ, कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, ताकि आप इसको भी कंप्लीट कर सकें और आप मैक्सिमम नंबर ला सकें, ये गारंटी, अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो करेंगे, आपके पक्के अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन में से आप 12 से 15 सही करके ले जाओ, और बाकी तुक्के तो है ही, ठीक है। अब देखो कैसे, सबसे पहले हम बात करूं एमपीजी, किसकी बात करूं, एमपीजी, और डेली 1 आवर देना है इसको, कितना देना है डेली 1 आवर, ओके, सबसे पहले एमपीजी के, एमपीजी के आप कंप्लीटली ट्रिक्स पर लाइक कीजिएगा, जैसे कि आपको मैं एक बुक बताऊं, ओके, आप कंप्लीट वीडियो बिल्कुल मत देखिएगा, आप जाइए ट्रिक्स पर, कितने ट्रिक्स पर,
उसमें से जैसे कि कोई बुक है आप जो भी प्रेफर करें उसमें से चंबल और नर्मदा के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो मेन मेन रिवर है, ठीक है, उनके बेसिक। और अब इसके देखो वाटरफॉल्स हो गए, हाँ, और मैं आपको चीजें बताऊं, प्रमुख समारोह, संग्रहालय, प्रमुख मेले, त्योहार, पर्व, जो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, आपकी गुफाएं हो गए, मकबरे हो गए, किले हो गए, ये सारी चीजें आप ट्रिक्स से याद कीजिए। किससे? ट्रिक्स से। आप जैसे ही डालोगे एमपीजी के ट्रिक्स फॉर फोर्ट्स, जैसे कि महल या किले, तो आपको एक 15 से 20 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसमें कम से कम आप 15 से 20 ही जो महल किलों के बारे में याद कर लेगा। इतना वो ट्रिक से ही याद करना, आप वैसे पढ़ने में चले जाना, आपको याद होगा ही नहीं, आपको मंदिर ट्रिक से ही याद करना, ठीक है, बहुत जल्दी होगा, 15 से 20 मिनट में आप एक वीडियो देखोगे खत्म, आपको उसको दो बार देख लीजिएगा, ठीक है, आधे घंटे में कंप्लीट। तो ये तो हो गया आपका एमपीजी, ठीक है, ट्रिक से याद कीजिएगा। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं पूरा पढ़ूंगा तो भैया वो आपकी मर्जी है, आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं बात करूं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। ज्योग्राफी आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन फंसेगा या दो क्वेश्चन फंसेंगे, उसको ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। मैं हिस्ट्री और पॉलिटी का आपको क्लियर कर देता हूँ। हिस्ट्री डॉक्टर विपिन गोयल का एक मैराथन पढ़े, पॉलिटी का सॉरी डॉक्टर विपिन गोयल, ठीक है, इनका मैंने बायो का भी एक बताया था आपको, तो ये आप पढ़िएगा। एक हिस्ट्री आप ले लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री में वरुण अवस्थी, वरुण अवस्थी। देखो ज्यादातर चांस होते हैं हिस्ट्री में कि आपका या तो मेडिवल से फंसेगा या मॉडर्न से फंसेगा, तो वरुण अवस्थी के 3 से 4 घंटे की एक है, मतलब दो दो घंटे के हैं, 2 घंटे का एक इनका 2 आवर 42 मिनट का एक इनका मेडिवल है, और ऐसे ही 1.5-2 घंटे के आसपास इनका मॉडर्न हिस्ट्री का एक लेक्चर है। उसमें इन्होंने सिर्फ फैक्ट पर बात की है, एक बार आप देखोगे आपको याद तक हो जाएंगे फैक्ट, इतना बढ़िया पढ़ाया इन्होंने वरुण अवस्थी सर ने, ठीक है। सेम पॉलिटी डॉक्टर विपिन गोयल, ये पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी के आपके 2 से 3 क्वेश्चन फंसने के ज्यादा चांसेस है, हिस्ट्री में आपको 3-4 क्वेश्चन फंसने के ज्यादा चांसेस है, ज्योग्राफी में आपको फंसेगा तो एमपीजी के में से ज्योग्राफी फंस सकता है, तो आप जब एमपीजी के पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाई चांस एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फंसेगा, नहीं तो वो भी नहीं फंसेगा, ओके। तो ये हो गया आपका एमजीके, और आप इस तरह से कंप्लीट जीके कर सकते हो। मान लो अब बात रही करंट अफेयर्स की, तो भैया वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप इस टाइम पे पढ़ो, आपको पढ़ना है तो 10-15 मिनट का कोई भी वीडियो आप देख लो, ठीक है, वो भी मंथ वाइज। कौन सा मंथ वाइज है? ईयरली कोई वीडियो, एक 10 घंटे का वीडियो डला हुआ है, मुझे उनके चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, आप वो देख सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है तो, पर वो बचता है तब जाइएगा, करंट अफेयर जरूरी है, पूछा जाए नहीं तो नहीं पूछा जाए, और कभी कभी करंट अफेयर ऐसे पूछे जाते हैं जो कि आपको आते हैं। तो ये तो हो गए आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट। अब इसमें टाइम काउंट कर लें क्या, ठीक है, जैसे मैथ्स मैंने आपको बताया डेली 1 आवर कितना बचा है डेली, सॉरी 2 आवर, तो टोटल 60। साइंस मैंने 2 आवर बताया, टोटल 60। इंग्लिश मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं 1.5 आवर, ठीक है, टोटल 45, इनके 45 घंटे के ही टोटल है इंग्लिश के, तरुण ग्रोवर सर के। हिंदी मैंने 1 आवर आपको डेली बताया, टोटल 30। जीके भी आपको मैंने 1 आवर डेली बताया, तो ये भी 30, ये टोटल आपके हो गए 225 आवर्स। कितना? 225 आवर्स। 225 आवर्स को आप 25 दिन में कंप्लीट करना है आपको, कितना? 25 दिन में आपको कंप्लीट करना है, तो 225 डिवाइडेड बाई 25, ये आ गया आपका 9 आवर आपको डेली पढ़ना है अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। 9 आवर देखो यार, लोग 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, 9 आवर पढ़ के और 1 घंटे आपको रिविजन करना ही करना है, याद रखिए 1 घंटे आपको रिविजन करना ही करना है, 10 आवर्स, तो ये आपको 25 दिन में सिलेबस कंप्लीट करके देगा, 25, ओके। या फिर आप 8 घंटे पढ़ो डेली, कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 घंटे पढ़ो और 1 से 1.5 या 2 घंटे 2 आवर आपको देना है रिवीजन में। कितना? देखो यहां मैं लिख देता हूं 2 आवर, ये किस लिए? रिवीजन करते रहना है, नहीं तो आप जो पढ़ोगे वो भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा है। आप मान लो एमपीजी के ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, इस घंटे को आप रिवीजन में ट्राई करो, ठीक है, आपकी हिंदी अच्छी है इसको आप रिवीजन में दो, तो ये आप याद रखो। अब 25 डेज की ये स्टडी होगी, अब आखिरी के 5 दिन क्या करें, ठीक है, आखिरी के 5 दिन क्या करें, ये उनके लिए जिनका सिलेबस, अभी मैं उनका बताऊंगा जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप एक बार प्रॉपर देख लो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करेंगे जो आखिरी के 5 दिन है, आखिरी के 5 दिन में डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, या फिर आप सिर्फ 1 मॉक टेस्ट दीजिए, 1 मॉक टेस्ट में आपको 3 घंटे देने हैं, कितना? 3 आवर, आपको 3 आवर देने हैं एक मॉक टेस्ट में, 2 घंटे का मॉक टेस्ट, 1 घंटे उसकी एनालिसिस जो आप करेंगे, और बाकी के जो 5 से 6 घंटे आपको बचे हैं उसमें कंप्लीट रिवीजन करना है, क्योंकि कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है। मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, जितना आपने 25 दिन पढ़ाए। मॉक टेस्ट दोगे आपको
तो ना जबरदस्त याद आएगा कि हाँ यार ये भी मैंने पढ़ा था, ये भी मैंने पढ़ा था। इस तरह से आप करोगे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आप मॉक टेस्ट भी कुछ दे लोगे और आप एग्जाम निकालने के काबिल हो जाओ। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब मैं बात करता हूं उनकी जिनका ऑलरेडी पटवारी, जैसे पटवारी का एग्जाम था तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको क्या करना है, उनको उनको करना है, उनको देने हैं सिर्फ मॉक टेस्ट। क्या देने हैं? सिर्फ मॉक टेस्ट विथ रिवीजन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट अभी आप डेली 15 दिन तक डेली एक मॉक टेस्ट लीजिए, 1 मॉक टेस्ट डेली। ओके, 2 घंटे का आपका 2 आवर्स का मॉक टेस्ट हो गया, उसमें प्लस 1 आवर आपको एनालिसिस करना है। क्या? 1 आवर प्रॉपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस किस तरह से करना है? कुछ टॉपिक आप देख रहे होंगे कि आपने पढ़े हुए हैं वो आपके हो गए। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन आए, 100 में से आपने स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चन सही कर दिए, 50 गलत कर दिए। ओके, 50 में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इजीली आते होंगे, आपने सिली मिस्टेक्स की होंगी। ओके, उन पे आपको सिली मिस्टेक को सुधारना है। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन उसमें से ऐसे होंगे जो मीडियम लेवल के होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको कुछ आते भी होंगे, आप उस समय रिकॉल नहीं कर पाए होंगे, और कुछ नहीं भी आते होंगे। तो जो नहीं आते होंगे, और कुछ हार्ड लेवल होंगे, तो जो हार्ड लेवल है जो नहीं आते हैं उनकी आप एक कॉपी बना लीजिए। मॉक टेस्ट की क्या बना लीजिए? कॉपी लिखिए, मॉक टेस्ट 1, उसमें सब्जेक्ट लिखिएगा, जैसे कि साइंस, मैथ, साइंस के जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो उनके आंसर, मैथ्स के जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो उनके आंसर। इससे आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जब 15 मॉक टेस्ट प्लस उसके बाद अगले 15 दिन तक आपको 2 मॉक टेस्ट, कितना? 2 मॉक टेस्ट। ओके, आपको अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आप ये इसी में ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले डेली 1 मॉक टेस्ट प्लस 4 to 5 आवर आपको डेली रिवीजन, 4 to 5 आवर रिवीजन, और जो आपने मॉक टेस्ट में गलत किया उसका भी रिवीजन। ठीक है, उन टॉपिक्स का खासकर रिवीजन, और एनालिसिस में तो आपको 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। सेकंड, 2 मॉक टेस्ट प्लस 2 आवर रिवीजन, और आपको मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना। 6 बार आपके हो गए मॉक टेस्ट के, 2 मॉक टेस्ट 3-3 घंटे के, मतलब 2-2 घंटे के मॉक टेस्ट, 1-1 घंटे का एनालिसिस। ठीक है, और आपके 2 से 3 घंटे उसके बाद रिवीजन, जो जो आपने गलत किया है उस सभी का आपको रिवीजन करना है। तो ये हो गया। और हाँ, मॉक टेस्ट में किस तरह से एनालिसिस होता है, किस क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, अगर आपको ये देखना है तो इसको आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से एक सेपरेट प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट देना यार बहुत जरूरी है, याद रखिए, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आपने मॉक टेस्ट प्रॉपर नहीं दिए तो आई डोंट थिंक सो कि आपके अच्छे नंबर उतना बन पाएंगे। और मॉक टेस्ट कहां से देने हैं, मैं भी आप इसका भी रिकमेंड कर देता हूं, वो है टेस्ट बुक। ठीक है, टेस्ट बुक के भी मॉक टेस्ट क्यों देने चाहिए वो भी मैं आपको उसी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मॉक टेस्ट के ऊपर उसमें बता दूंगा। उसके रीजन मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा बता देता हूँ, आपको परचेस करना पड़ेगा, शायद 250 रुपए के आसपास या 300 रुपए के आसपास उसका एक साल का कुछ पड़ जाता है। उसमें फायदा मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो आंसर दिए होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी, पहली बार तो दोनों में दिए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, और जो आंसर में आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया जाएगा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी जाएगी, उस टॉपिक के बारे में कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको रस पूछा तो रस में एक तो जो कि ये वाला रस है, मान लीजिए शांत रस है, कोई शांत रस का एक बोल दिया तो शांत रस के बारे में बताएंगे, और जो ऑप्शन में 3 रस जो अलग से दिए होंगे ना उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो उसका जो आंसर है वो बहुत जबरदस्त लगता है, मुझे एनालिसिस करने में इतना मजा आता है, आपको इतने सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं टेक्स्ट बुक से। आप जैसे और भी सारे देते हो, जैसे प्राइवेट कोचिंग स्टूडेंट, टॉपर टेम्पल है, विनर्स है, उनमें क्या मुझे प्रॉब्लम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, लेवल उनका भी अच्छा, आप उनका भी दे सकते हैं जिसके पास उनका है, जिसको नहीं खरीदना है, लेकिन उनमें आंसर्स की प्रॉब्लम है। उसमें आंसर वही देंगे जिसके बारे में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन उसका आंसर, उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे जो कि हमें चाहिए। ठीक है, और इसमें आपको टेस्ट बुक में एक और फायदा है कि करंट के भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट के जैसे आपको एक मैं बताऊं, करंट नहीं, आपको स्टैटिक जीके का बता देता हूं क्वेश्चन, कि कथक किस स्टेट का डांस है। ठीक है, जो क्लासिकल डांसर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें कथक के बारे में भी बताया जाएगा, और पूरी लिस्ट दे दी जाएगी कि भाई ये सारे भी इस स्टेट के हैं, तो आप वो पढ़ लीजिएगा, वो आंसर में दिया जाता है, आपको अलग से कोई किताब या वो बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये कंप्लीट हो गई आपकी 1 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर एमपी फॉरेस्ट। आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा, कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहीं पर भी आपको देखो, गालियां देने से पहले एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको अगर उसका रिप्लाई ना दूं तब आप बोलिएगा कि नहीं सर आप गलत। ओके, और ये पॉसिबल है क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, कई लोगों का ऑलरेडी बेसिक क्लियर है। हाँ, जिनको कुछ भी नहीं आता यार, जिनको करना ही नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए 1 महीना भी क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा या बहुत कुछ नहीं है, ऐसे बोल दो यार उनके लिए। ठीक है, और जिनको करना है उनके लिए 1 महीना काफी।
क्योंकि वो पहले से भी करते आ रहे होंगे, उनको थोड़ी बहुत व्यवहारिक ज्ञान भी होगा आसपास का, समझ गए। तो यार अब रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।